गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को पिछली दोनों क्लास में जो पढ़ाया गया था वह याद होगा। आज की क्लास में कुछ नया सीखेंगे, परंतु उससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या आप जानते हैं हाइपरलिंक से कितने लिंक को जोड़ सकते हैं? हाइपरलिंक के मदद से आप बहुत से लिंक को जोड़ सकते हैं। क्या आप हाइपरलिंक के मदद से लिंक की जगह पर अपना नाम दे सकते हैं? हाँ, आप हाइपरलिंक की मदद से अपने नाम को लिंक में बदल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में अगर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो उसे कैसे लाएंगे? इसके लिए आपको फॉर्मेटिंग टूल बार के राइट साइड में ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना होगा। वहां पर कस्टमाइज टूल बार या विजुअल बटन की मदद से जो ऑप्शन हाइड है उसे ला सकते हैं। क्या बता सकते हैं एक्सपोर्ट एज पीडीएफ की मदद से एक से ज्यादा पेज को पीडीएफ में बदल सकते हैं? हाँ, आप एक से ज्यादा पेज को भी पीडीएफ फाइल में बदल सकते हैं। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अपने कंप्यूटर को ऑन करें और राइटर की फाइल को ओपन करें। आइए जानते हैं आज की क्लास में क्या सीखेंगे। आज की क्लास में आप स्टैंडर्ड टूल बार के बाकी बचे ऑप्शन के बारे में सीखेंगे और साथ में फाइल के कुछ ऑप्शन जो बेसिक भाग में नहीं सिखाया गया था उसके बारे में सीखेंगे, जैसे कि सेंड, प्रॉपर्टीज, टेम्पलेट्स, प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, प्रिंटर सेटिंग। अब आप सभी स्टैंडर्ड टूल बार की मदद से एक टेबल बनाएं। क्या बता सकते हैं टेबल ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार में कहां पर है? सामने दिए गए चित्र में रेड कलर से हाईलाइट किया गया वह टेबल विकल्प का है। क्या आप सभी ने टेबल को ड्रॉ कर लिया है? अगर कोई समस्या है तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि टेबल का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दें स्टैंडर्ड टूल बार की टेबल विकल्प में। उसके बाद आप टेबल के साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को, रो को, दोनों को सेम कर सकते हैं। और फिर उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप टेबल के अंदर उसके नाम को दे सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। क्लास, फिर अगले सेल में आप सब्जेक्ट के नाम जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है या कुछ और भी टाइप कर सकते हैं। फिर अगले सेल में भी सब्जेक्ट के नाम को टाइप कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। नेम के सेल के नीचे आप स्टूडेंट के नाम को टाइप कर सकते हैं। क्लास के सेल के नीचे क्लास को टाइप कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इंग्लिश के सब्जेक्ट के नीचे आप इंग्लिश के मार्क्स को भी दे सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद हिंदी के मार्क्स को टाइप करें इस तरह से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन फाइंड और रिप्लेस का है। क्या आप बता सकते हैं फाइंड और रिप्लेस से क्या होता है? फाइंड और रिप्लेस से पैराग्राफ से पेज में लिखे किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं अथवा उसे ढूंढ सकते हैं, और रिप्लेस की मदद से आप उसे फाइंड किए गए वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं।
अब आप वीडियो की मदद से फाइंड और रिप्लेस करना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी स्टैंडर्ड टूल बार के फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आप सर्च फॉर के अंदर उस टेक्स्ट को टाइप करें जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जो भी आपको सर्च करना है उस टेक्स्ट को टाइप करने के बाद फाइंड वाले विकल्प पर क्लिक कर दें। उसके बाद एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स पर यस वाले विकल्प पर सेलेक्ट कर दें या क्लिक कर दें। अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस विथ वाले विकल्प पर उस नाम को टाइप करें जिसको आपको रिप्लेस करना है। उसके बाद आप रिप्लेस पर क्लिक कर दें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो आप देखेंगे कि वह नाम आपका रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। फिर से आप स्टैंडर्ड टूल बार के फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आप मैच केस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद सर्च फॉर पे क्लिक करें। और यहां पे उस नाम को टाइप करें जिसे आप ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और उसके बाद फाइंड पे क्लिक कर दें, यस पे क्लिक करें इस बॉक्स के बाद, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर आप उसके बाद मैच केस को अनहाइलाइट करके या अनटिक करके सर्च करें और फिर इसे क्लोज कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से मैच केस को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद सर्च फॉर के अंदर उस नाम को टाइप करें जिसे आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पंकज सेलेक्ट करना है या फाइंड करना है, तो आप सर्च फॉर के अंदर पंकज को टाइप करेंगे। एक उसके बाद फाइंड पर क्लिक कर देंगे, एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अगर आपको रिप्लेस करना है तो दोबारा से उस नाम को टाइप करें जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड पर टाइप करने के बाद क्लिक कर दें। अगर आप किसी और नाम को फाइंड करना चाहते हैं यहां पे राज को टाइप करें तो राज के नाम से कोई भी चीज नहीं दिखाएगा। अगर वहां पे अनटिक है तो आर ए जे का जो भी लिखा हुआ रहेगा वो आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। अगला ऑप्शन नेविगेटर का है।
क्या आप बता सकते हैं नेविगेटर का उपयोग क्यों करते हैं? नेविगेटर की मदद से आप यह जान सकते हैं आपके फाइल में क्या क्या एक्टिव है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने पेज में एक टेबल इंसर्ट किया तो नेविगेटर आपको टेबल की संख्या को दिखाएगा। यदि आपने कोई पिक्चर इंसर्ट किया है तो नेविगेटर में पिक्चर की संख्या को दिखाएगा और उन पर क्लिक करके उनका उपयोग डायरेक्टली कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि नेविगेटर से क्या होता है। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि नेविगेटर विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को नेविगेटर विकल्प पे लेकर आएं। यहाँ पे क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसे ड्रैग करके आप कहीं भी रख सकते हैं। इसके अंदर देखें हेडिंग, टेबल्स, टेक्स्ट फ्रेम, ग्राफिक्स, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। मान लीजिए आपको टेबल्स देखना है तो टेबल को सेलेक्ट कर लें, या और नीचे जाना है तो इसके ड्रैग करके या स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जा सकते हैं। बुकमार्क की संख्या को देख सकते हैं। हाइपरलिंक की संख्या को देख सकते हैं। इसके लिए आप इंसर्ट पर भी जाके कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाइए, पिक्चर विकल्प पे क्लिक कीजिए, उसके बाद पिक्चर के फाइल या पिक्चर को सेलेक्ट करके उसे इंसर्ट कीजिए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद नेविगेटर पे जाएं। टेबल को सेलेक्ट करें, देखें एक टेबल की संख्या दिखाया जा रहा है। ग्राफिक्स की संख्या को देखें, हाइपरलिंक की संख्या को देख सकते हैं, पिक्चर की संख्या को भी देख सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब अपने राइटर के पेज को स्क्रॉल करके नीचे लेकर आएं, इंसर्ट पे जाएं, हाइपरलिंक पर क्लिक करें, डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करें, फाइल को ओपन करें, जहां से भी आपको अपने फाइल को सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करें जिसे आप लिंक देना चाहते हैं, और फिर उसे अप्लाई करें और क्लोज कर दें। फिर अब आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएं या स्टैंडर्ड टूल बार के नेविगेटर ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद फिर आप चेक कर सकते हैं हेडिंग की संख्या को, टेबल्स की संख्या को, ग्राफिक्स की संख्या को, फिर इसे स्क्रॉल करके हाइपरलिंक की संख्या को, इस तरह से आप नेविगेटर विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन गैलरी का है। जैसे कि आप सभी जानते हैं गैलरी के मदद से आप किसी भी चित्र और ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप भी किसी चित्र को इंसर्ट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो रही हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि गैलरी विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर
गैलरी लिखे हुए विकल्प पर लेकर आएं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर आप अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स या ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से जो भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए उसको सेलेक्ट कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। और उसके बाद जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करें, फिर वहां पे राइट बटन क्लिक कर दें। उसके बाद इंसर्ट पे जाएं, फिर आप कॉपी पर क्लिक कर दें, तो आपके करंट कर्सर के पोजीशन पे वह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप इसे पिक करके और भी जगह रख सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप इसकी विड्थ हाइट को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके लिए आप अपने माउस या टचपैड का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप गैलरी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर का है। क्या बता सकते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर से क्या होता है? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर द्वारा से क्लिक करके हटा सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर का उपयोग कैसे करते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर ऑप्शन पर लेकर आएं और यहाँ पे क्लिक कर दें, जिससे कि टेबल के अंदर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप एंटर बटन क्लिक करते जाएं, वह इंसर्ट होता जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर एक प्रकार का सिंबल होता है, इसे हटाने के लिए दोबारा से आपको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर पर ही जाके क्लिक करना होता है, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर आपको इसे वापस लाना है दोबारा से, तो फिर से आप स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर पर क्लिक कर दें। हटाना है तो दोबारा से आप इसे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर पर ही क्लिक करके हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जूम का है। जूम की मदद से पेज के साइज को जूम इन जूम आउट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि जूम विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार के जूम ऑप्शन पर लेकर आए और क्लिक करें। एक बॉक्स ओपन होगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद फिट विड्थ एंड हाइट को सेलेक्ट करें,
जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप इसके वेरिएबल ऑप्शन विकल्प को का उपयोग कर सकते हैं। यहां से आप पेज के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं नंबर्स में। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप यहां से भी जूम को चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं पेज का साइज 100% होता है। तो आप यहां से डायरेक्ट जूम के ऑप्शन से 100% सेलेक्ट कर सकते हैं। आप व्यू लेआउट से सिंगल पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें, जैसे कि आपको सिंगल पेज में दिखेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आप इसे स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ लेकर आए या अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार के जूम विकल्प पर लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप जूम विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब फाइल मेनू के सेंड ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। क्या बता सकते हैं सेंड ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? सेंड ऑप्शन की मदद से आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को जो भी उसमें टाइप किया है वह किसी दूसरे यूजर को सेंड कर सकते हैं। सेंड ऑप्शन के माध्यम से सेंड करने के लिए आपके पास आउटलुक पर अकाउंट होना जरूरी है। बिना अकाउंट के आप दूसरे यूजर को कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं डॉक्यूमेंट को कैसे सेंड करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं डॉक्यूमेंट को कैसे सेंड करते हैं। सेंड करने के लिए आप सभी के पास आउटलुक का अकाउंट होना जरूरी है। सेंड विकल्प का उपयोग करने के लिए सामने दिखाया जा रहे वीडियो को देखें। अपने पॉइंटर को मेनू बार के फाइल ऑप्शन पे लेकर आए, यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद सेंड विकल्प पे जाएं। जैसे ही आप सेंड विकल्प पे जाएंगे एक और बॉक्स आएगा जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट एज ईमेल। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है जिस पे आप करंट डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं वह ईमेल हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के लिए आप टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन का उपयोग करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया एक बॉक्स खुला, यह बॉक्स आउटलुक का है। अब यहां पे आपको यूजर का ईमेल आईडी टाइप करना होता है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। टाइप करने के बाद जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यह ईमेल आईडी है। उसके बाद
आप सेंड पर क्लिक कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहां से आप क्लोज भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं भेजना है तो। जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये पूछेगा कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो आप इस पे नो पे क्लिक कर देना है, ये डोंट सेव पे। अगर आपको ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट करना है तो फिर से आप फाइल विकल्प पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आपको ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेम आउटलुक का अकाउंट आ जाएगा, एक बॉक्स आएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर टू के सामने वाले बॉक्स में यहाँ पे आपको ईमेल आईडी टाइप करना है। अगर आप कुछ सब्जेक्ट टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि आप किस विषय के बारे में इस डॉक्यूमेंट को भेज रहे हैं या क्या चीज भेज रहे हैं। अगर आपको नहीं भेजना है तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। फिर आप अपने करंट डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। फिर आप अगले विकल्प का उपयोग करने के लिए दोबारा से मेनू बार के फाइल विकल्प पे आए, उसके बाद सेंड पर जाए, फिर आप ईमेल एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सेलेक्ट करें, यहां पे क्लिक करें। आप अपने इस डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड में या एमएस वर्ड के फॉर्मेट में भेज सकते हैं आउटलुक के द्वारा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आउटलुक का अकाउंट या बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको फिर से ईमेल आईडी टाइप करना होगा जिसको आप भेजना चाहते हैं। उसके बाद सेंड विकल्प पे क्लिक कर दें, जैसे कि यह डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएगा। अगर आप इसे नहीं भेजना चाहते हैं तो इस बॉक्स पे क्लोज बटन पे क्लिक कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा, अब यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अपने पॉइंटर को फाइल मेनू बार के ऑप्शन पे लेकर आए, क्लिक करें, एक बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे सेंड विकल्प को ढूंढें और उसके बाद ईमेल पीडीएफ के फॉर्मेट को सिलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब यह विकल्प आपकी फाइल को, जो आपका करंट फाइल है, उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी टाइप करना है और यहाँ पे सेंड पर क्लिक कर देंगे तो यह सेंड हो जाएगा। आप ईमेल आईडी टाइप कर लीजिएगा आपको, जैसे वीडियो में पहले भी बता दिया गया है। फिर उसके बाद मेनू बार के फाइल ऑप्शन पर जाएं, क्लिक करें, सेंड विकल्प को सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपने पॉइंटर को क्रिएट HTML विकल्प पे लेकर आएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसके द्वारा आप HTML विकल्प में अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। इस तरह से आप सेंड विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब फाइल मेनू के प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं। क्या आप जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑप्शन से क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑप्शन की मदद से आप राइटर के फाइल के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि आपने फाइल कब सेव की थी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की डिटेल्स जैसे कि कितने पेज नंबर हैं, कितने वर्ड हैं, कितने पैराग्राफ हैं, फाइल का साइज कितना है इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी के बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे कि जनरल, डिस्क्रिप्शन, सिक्योरिटी, एस्थेटिक्स। आइए अब वीडियो की मदद से
इन सभी ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि प्रॉपर्टी विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। इस विकल्प के लिए आप सभी जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है मेनू बार के फाइल विकल्प पे लेकर आए, यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्रॉपर्टी विकल्प पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जनरल विकल्प सेलेक्ट होता है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आपको अनटाइटल्ड लिखा होगा या फाइल के नाम को शो करता है, हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है इसलिए यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम इस फाइल को सेव किए होते तो यहाँ पे फाइल का नाम आता। दूसरा है टाइप, यहाँ पे आपको देखें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है कि यह जो आपका डॉक्यूमेंट है कौन से एप्लीकेशन के पार्ट है, जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब इसको क्लोज करें और अब इस फाइल को सेव करें क्योंकि बाकी के जो इसके प्रॉपर्टीज हैं वो शो नहीं कर रहे थे, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के सेव किए हुए हम उन सभी ऑप्शनों को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है टाइटल बार के अंदर देखें, आपने जिस नाम से फाइल सेव किया है वह नाम यहाँ पे शो कर रहा है। अब प्रॉपर्टी विकल्प के लिए यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद प्रॉपर्टी विकल्प पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें जनरल विकल्प बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट आ रहा है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। टाइप, लोकेशन, लोकेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि हमने अपनी इस फाइल को कहाँ पे सेव किया है। साइज, हमारे फाइल का कितना साइज है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को कब क्रिएट किया था, यानी कि कब हमने टाइप किया था और सेव किया था इसे। अगर हम इसको दोबारा से ओपन करने के बाद कोई चेंजेस करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका डिस्क्रिप्शन का है, यहाँ से आप अपने इस डॉक्यूमेंट के डिस्क्रिप्शन को दे सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप टाइटल, सब्जेक्ट, कीवर्ड, कमेंट्स जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट के आगे जो खाली जगह है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको यहाँ पे टाइप करें। उसके बाद आपको कस्टम प्रॉपर्टी का ऑप्शन नहीं करना है इसलिए अब आप इंटरनेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करने का टाइम को डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि विकल्प में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे एक बॉक्स आएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ से आप अपने उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेलेक्ट किया और उसके बाद ओपन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे उस फाइल का लिंक आ गया या लोकेशन आ गया, अब उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से हम मेनू बार के फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम अपने फाइल के अंदर सिक्योरिटी देना चाहते हैं जिसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, ओपन फाइल रीड ओनली, रिकॉर्ड चेंजेस, अगर आप रिकॉर्ड चेंजेस पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको प्रोटेक्ट पे जाना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए पासवर्ड दे सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उसके बाद पासवर्ड कंफर्म करने के बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। अब देखें जो भी हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस करेंगे वहां पे रिकॉर्ड होता जाएगा कि हमने ये चेंजेस किए हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमने ये अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज किया है क्योंकि हमने सिक्योरिटी लगा रखा है अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर।
फिर से आप मेनू बार के फाइल ऑप्शन पे जाएं, प्रॉपर्टी विकल्प को सेलेक्ट करें, उसके बाद आप ओपन फाइल रीड ओनली विकल्प को सेलेक्ट कर लें। अगर यहाँ पे सही का निशान है, टिक का निशान है, तो मतलब कि आप इस वाले विकल्प को सेलेक्ट कर लिया है। अगर नहीं है तो आप इस विकल्प को सेलेक्ट नहीं किए हैं। उसके बाद अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अब हम सिक्योरिटी को हटा रहे हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, एक बॉक्स आएगा जहाँ पे कहेगा कि आप क्या इसे हटाना चाहते हैं, फिर आपको यस पे क्लिक करना होगा या नो पे। हमने यहाँ पे यस पे क्लिक किया। यहाँ पे अगला ऑप्शन है स्टैटिक्स, जो कि आपके डॉक्यूमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ ग्राफिक्स, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितने लाइन हैं, यहाँ पे सब डिफाइन होता है। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी विकल्प के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आइए अब प्रिंटर सेटिंग के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं प्रिंटर सेटिंग से क्या होता है? प्रिंटर सेटिंग की मदद से आप अपने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप को किसी भी प्रिंटर से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा प्रिंटर है और आप चाहते हैं जिस कंप्यूटर के साथ आप प्रिंटर कनेक्ट करना चाहते हैं उसे कनेक्ट कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि प्रिंटर सेटिंग विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। मेनू बार के फाइल विकल्प पे लेकर आए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप प्रिंटर सेटिंग ऑप्शन पर पॉइंटर को लेकर आए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर देखें प्रिंटर का नाम, स्टेटस, उसका टाइप, लोकेशन इत्यादि सभी ऑप्शनों को दिया गया है। यहाँ से आप प्रिंटर के नाम को देख सकते हैं, जो भी आप प्रिंटर का नाम होगा यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, उसके स्टेटस को देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज देखनी है उसकी, तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। एडवांस्ड, पेपर का आउटपुट, कितनी कॉपी चाहिए आपको, काउंट यहाँ पे दे सकते हैं हम उसको। उसके ग्राफिक्स को देख सकते हैं यहाँ से, डॉक्यूमेंट ऑप्शन को देख सकते हैं, प्रिंटर फीचर को देख सकते हैं कि उसके फीचर्स क्या हैं। उसके प्रिंटर शॉर्टकट्स, जैसे कि क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी को देख सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। नॉर्मल, फास्ट ड्राफ्ट, फास्ट नॉर्मल, जो भी आपको इसमें से प्रिंट की क्वालिटी चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर की टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लेन पेपर चाहिए, कौन सा चाहिए आपको। उसके बाद पेपर के साइज को देख सकते हैं, ओरिएंटेशन देख सकते हैं, प्रिंट दोनों साइड चाहिए कि एक साइड चाहिए आपको। आपको जो भी चाहिए यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पेपर की क्वालिटी को देख सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको।
उसके टाइप्स को देख सकते हैं। अभी आपने पेपर्स ऑप्शन को देखा। उसके प्रिंट क्वालिटी को यहाँ से देख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। प्रिंट टास्क क्विक सेट्स को भी देख सकते हैं इफेक्ट्स के अंदर से। इसके रिसाइजिंग ऑप्शन को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपके प्रिंट डॉक्यूमेंट का एक्चुअल साइज चाहिए आप इसमें से सेलेक्ट करके देख सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। पेज के परसेंट साइज को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, पेज पे वॉटरमार्क भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसकी फिनिशिंग भी दे सकते हैं। पेज के कलर को भी या प्रिंट के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। इस कलर में आपको प्रिंट चाहिए, आप प्रिंट टास्क क्विक सेट्स को भी दे सकते हैं। जो भी नाम आप इसमें टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। और फिर आप उसे ओके कर सकते हैं। प्रिंटर ऑप्शन पे क्लिक करके उसके और भी कंटेंट स्पेस कमेंट्स को भी दे सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप जो भी चेंजेस करने कर सकते हैं इसके अंदर, अदर के अंदर जैसे प्रिंट ऑटोमेटिकली, पेपर ट्रैप फ्रॉम प्रिंटर। अगर फैक्स करना है तो फैक्स भी कर सकते हैं, या फैक्स मशीन को कनेक्ट करना है कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप प्रिंटर सेटिंग विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब टेम्पलेट्स के बारे में सीखते हैं। क्या आप जानते हैं टेम्पलेट से क्या होता है? टेम्पलेट की मदद से टेम्पलेट बना सकते हैं जिससे आप बाद में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने मोबाइल में देखा होगा कि उसमें पहले से ही कुछ मैसेज होता है, जैसे कि आई एम इन मीटिंग, आई कॉल यू बैक जैसे मैसेज को आप बिना टाइप किए उन्हें भेज सकते हैं। टेम्पलेट को आप अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं टेम्पलेट का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि टेम्पलेट विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं और इससे क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं टेम्पलेट की मदद से टेम्पलेट बना सकते हैं जिसे आप बाद में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने मोबाइल में देखा होगा कि उसमें पहले से ही कुछ मैसेज होते हैं, जैसे कि आई एम इन मीटिंग, आई कॉल यू बैक
जैसे मैसेज को आप बिना टाइप किए उन्हें भेज सकते हैं। आइए अब वीडियो के द्वारा देखते हैं। जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, मेनू बार के फाइल विकल्प पे लेकर आए, उसके बाद फाइल मेनू के सब मेनू बार में टेम्पलेट लिखे हुए विकल्प पे लेकर आए, एक बॉक्स आएगा, आपको सेव पर क्लिक करना है। अब इस बॉक्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन न्यू टेम्पलेट का है, यहाँ पे आप न्यू टेम्पलेट के नाम को टाइप करें, जैसे हमने CS123 करके टाइप कर दिया, उसके बाद ओके कर दें। फिर दोबारा से अपने पॉइंटर को मेनू बार के फाइल ऑप्शन पे लेकर आए, उसके बाद अपने पॉइंटर को फिर से टेम्पलेट पे लेकर आए, फिर आप ऑर्गेनाइज पर क्लिक करें, एक बॉक्स आएगा। अब इस बॉक्स के अंदर माय टेम्पलेट्स लिखे हुए विकल्प को सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे जो आपने टेम्पलेट्स को सेव किया था उसे ढूंढें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कमांड्स विकल्प पे क्लिक करें और एक्सपोर्ट टेम्पलेट पर क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा, फिर उसके बाद सेव एज कर दें, उसके बाद यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक कर दें। करंट फाइल को मिनिमाइज कर दें और आपकी जो फाइल सेव है जिस लोकेशन पे वहां पे जाएं। जैसे कि हमारी यह फाइल डेस्कटॉप पे सेव है, अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर से हमें फाइल पे जाना है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को लेना है। अब यहाँ पे फिर से आपको फाइल पे जाना है, न्यू से कोई टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट विकल्प को सेलेक्ट करें। यहाँ पे चार अलग अलग विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि न्यू डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट्स, माय डॉक्यूमेंट, सैंपल। आपको टेम्पलेट्स सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आप सेव किए हुए टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करें जो आपने पहले क्रिएट किया था और उसे सेव किया था, और फिर उसे ओपन कर दें। अब देखें कि आपने वहां पे जो भी सेव किया था वह आपके करंट डॉक्यूमेंट पर ओपन हो गया। तो इस तरह से आप टेम्पलेट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आप अपनी फाइल को क्लोज करें और कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें। आज की क्लास में आपने स्टैंडर्ड टूल बार के कुछ ऑप्शन के बारे में सीखा और इसके साथ में आपने फाइल मेनू के कुछ ऑप्शन जैसे कि सेंड, प्रॉपर्टी, टेम्पलेट, प्रिंटर सेटिंग के बारे में सीखा।